अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है घर की बंदिश को तोड़ने के वजीफ़े के बारे में दुश्मन से बचें इस अमल को कर कर अगर आपका दुश्मन आपको परेशान करता है या फिर किसी ने आपके घर में जादू टोना टूटका या भूत प्रेत का साया है बहुत ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है तो घर की बंदिश को तोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा चाहे घर की बंदिश हो चाहे आपके कारोबार पर बंदिश हो या फिर आपकी दुकान पर बंदिश हो यानी कहीं पर भी कोई भी बंदिश हो किसी भी तरीके की लगो हुई और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा इस अमल को भी ज़रूर कीजिएगा इन अमल को करने से आपकी वो बंदिश भी टूट जाएगी और आपका वो जो दुश्मन है वो भी भाग जाएगा यानी कि वो भी भाग जाएगा आपके पास से और जो भूत प्रेत का साया है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इस अमल को करने से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा तो अमल किस तरीके से करना है पहले उसके बारे में सुन लीजिएगा वीडियो शुरू करने से पहले बताते हैं एक छोटी सी गुजारिश है कि दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अब देखिए आपको अमल किस तरीके से करना है यहाँ पर आपको लिख मैं दिखाता हूँ देखिए आपको पढ़ना होगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों जबानों में देखिए सबसे पहले इंग्लिश में हम लिख के दिखाते हैं या या मुमीतु ठीक है और उसके बाद हम हिंदी में ये रहा या या मुमीतु ठीक है अब आपको ये कितनी बार पढ़ना है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आपको पढ़ना होगा सात बार अब ये पूरा समझ लो आपने क्या क्या देखा या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु आपको सात बार पढ़ना है सात बार पढ़ने के बाद आपको अपने ऊपर दम करना है और अपने घर के चारों तरफ दम करना है ताकि जो बंदिश है वो बिल्कुल हट जाए अगर दुकान में खड़े तो दुकान के चारों कोनों पर आपको दम करना है यानी कि आप बीच दुकान के सेंटर में जैसे कि मान के चलिएगा आपका ये घर है ठीक है ये घर है या फिर ये दुकान है तो आपको यहाँ बीच में खड़ा होना है तो इस साइड में करना है फूक मारनी एक इस साइड में एक एक साइड में और एक साइड में ठीक तो या है तो आपको ये अमल यानी कि करना होगा लगातार करते रहिएगा तो इंशाल्लाह और ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं तो आप ग्यारह कम से कम ग्यारह दिन तो कर, कर लीजिएगा ठीक है तो आपको ये अमल देखिए कब करना है देखिए सुबह शाम ठीक है सुबह शाम दुकान पे हैं तो, नहीं तो, तो दुकान पे जाने जब घर को आए तब इस अमल को करके आए जब आप दुकान बंद करके घर को आए तब आप इस अमल को कीजिएगा और जब आप सुबह को जाएं तब इस आप अमल इस अमल को कीजिएगा यानी कि अगर आपकी यानी कि दुकान पे किसी की नज़र लगी है आपके घर पे किसी की नज़र लगी है आपके कारोबार पर किसी की भी नज़र लगी है या फिर आप जो जादू टोने टोटके से परेशान हैं तो आप इस अमल को एक बार ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से यानी कि इन चीज़ों से बच सकें और आपके बंदिश हट जाए और आपका काम अच्छे तरीके से चलने लगे तो ये दुश्मनों से और जादू से बचने का बहुत ही अच्छा अमल है तो इस अमल को एक बार अपनी जिंदगी में ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और कुछ वीडियो आपके सामने इन वीडियो को आप लेकर ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों मिलते एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए हाफिज़